आज हम पढ़ेंगे रनर्स एंड ट्यूबर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें रनर्स और ट्यूबर्स की, तो प्लांट्स के अंदर रनर्स और ट्यूबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीकों में से दो तरीके हैं। और अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें के ऑफस्प्रिंग या नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, और कैसे बनते हैं? सिंगल ऑर्गेनिज्म से। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट या सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि नए ऑफस्प्रिंग या नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो तरीके कौन कौन से हैं? उनमें शामिल है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, रनर्स और ट्यूबर्स। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रनर्स और ट्यूबर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रनर्स की। तो रनर्स क्या है? कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में स्ट्रॉबेरी का प्लांट देख रहे हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रनर्स के थ्रू होता है। अब रनर्स क्या हैं? रनर्स ऐसी स्टेम को कहते हैं जो के ग्रो करती है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ सॉइल। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रूट्स हैं और ये सॉइल की सरफेस है। अगर हम यहाँ पे ये सॉइल सरफेस शो करें तो ये रूट्स हैं। तो रनर्स क्या है? ऐसी स्टेम होती है जो कि बिल्कुल ग्राउंड या सॉइल से थोड़े से फासले पे ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करती है? ग्रो करने के बाद ये प्रोड्यूस करती है बड, यानी कि कली या कलियां। और कली से क्या, कली या बड से क्या डिवेलप हो सकता है? कली या बड से प्लांट की लीफ, फ्लावर या शूट डिवेलप हो सकता है, यानी कि बड से पौधे के मुख्तलिफ हिस्से पैदा हो सकते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिखाया हुआ है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, रूट्स हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या है? रनर, यानी कि स्टेम है जो बिल्कुल ज़मीन की सतह के थोड़े से फासले पे ऊपर ऐसे ग्रो कर रही है, और यहाँ पे इनके ऊपर मौजूद होती हैं बड्स। और बड किस में डिवेलप हो सकती हैं? लीफ में, फ्लावर में या शूट में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? बड से क्या बन गया है? डॉटर प्लांट, यानी कि इसी तरह का एक पौधा बन गया है, और ये किससे बना है? रनर से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, और एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो रिप्रोडक्शन के उस तरीके को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो डिटैच हो जाए या अलग हो जाए, तो अब ये जो डॉटर प्लांट है ये फुल प्लांट में डिवेलप हो सकता है, यानी ये अपने पेरेंट प्लांट से अब अलग होके अलग ग्रो कर सकता है। तो रनर क्या है? रनर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से नया ऑफस्प्रिंग या नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबर्स के बारे में। तो रनर्स की तरह ट्यूबर्स भी स्टेम हैं, लेकिन ये कौन सी स्टेम होती है? ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम होता है। अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे एक पोटैटो का प्लांट दिखाया हुआ है, तो पोटैटो के प्लांट में ये मेन स्टेम है जिसके ऊपर लीव, फ्लावर्स और फ्रूट्स या बाकी पार्ट्स ग्रो करते हैं। और इस मेन स्टेम के साथ साथ स्टेम अंडरग्राउंड चली गई है, और अंडरग्राउंड जाके क्या हो गई है? थिक हो गई है, और थिक होके इसने क्या बनाया है? थिक होके ये तब्दील हो गई है ट्यूबर में। अब ट्यूबर क्या है? है तो ये स्टेम ही, लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम है। अब यहाँ पे ये जो हमें ट्यूबर्स नजर आ रही हैं, ये तो स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बारीक बारीक जड़ें भी मौजूद होती हैं, जिसे हम इस कलर से शो कर लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह बारीक बारीक जड़ें मौजूद होती हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फूड का स्टोरेज करना,
और रिप्रोडक्शन में मदद देना. और रिप्रोडक्शन भी कौन सी वाली, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा था कि ट्यूबर्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मदद देते हैं, ये हम देख लेते हैं इस डायग्राम की मदद से. तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ट्यूबर्स हैं. तो ये पोटैटो के ट्यूबर्स हैं. और ट्यूबर चूंकि स्टेम का पार्ट है या स्टेम है, लेकिन होती ये अंडरग्राउंड है, तो इसमें नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं. अब अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि जैसे ये है नोड, या इसको आई भी कहते हैं, नोड या आई. तो नोड कौन सी जगह होती है स्टेम में? नोड ऐसी जगह होती है जहां से लीव्स, शूट्स, ब्रांचेस वगैरह एराइज करते हैं, यानी कि वहां से निकलते हैं. और दो नोड्स के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटर नोड. तो अगर हम पोटैटो ट्यूबर का एक पोर्शन, यानी कि एक ऐसा पोर्शन कट करें जिसके अंदर नोड या आई मौजूद हो, तो और उसको जमीन में अगर हम दबा दें तो क्या होगा, उससे पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है. तो इस तरह से जो ट्यूबर्स होते हैं वो ना सिर्फ फूड स्टोरेज का काम करते हैं बल्कि वो रिप्रोडक्शन का काम भी करते हैं. और रिप्रोडक्शन कैसे होती है? रिप्रोडक्शन होती है नोड्स या आईज की मदद से, और उससे पूरा एक प्लांट, इंडिपेंडेंट प्लांट यानी पेरेंट प्लांट से अलग प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है. तो इस तरह से रनर्स और ट्यूबर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ तरीकों में से दो तरीके हैं जिससे कि नया ऑफस्प्रिंग या नया प्लांट डेवलप करता है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रनर्स एंड ट्यूबर्स के बारे में.